चंद्रयान 3 23 अगस्त को भारतीय समय के हिसाब से शाम को 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सिर्फ भारतीयों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इस पर नजर है। भारतीय मीडिया चंद्रयान 3 के पल पल के अपडेट्स पर कवरेज कर रहा है, वहीं पूरी दुनिया की भी भारत के इस मून मिशन पर नजर बनी हुई है। विदेशी मीडिया ने भारत के मून मिशन पर क्या क्या छापा है, आइए जानते हैं। द गार्डियन ने हेडलाइन लगाई, इंडिया प्रिपेयर्स फॉर चंद्रयान 3 अटेम्प्ट टू लैंड ऑन द मून। भारत का चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने का प्रयास। आगे खबर में वो लिखते हैं, भारत बुधवार को चंद्रमा पर उतरने के अपने दूसरे प्रयास की तैयारी कर रहा है। भारतीय समय अनुसार शाम 6 के आसपास विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने की कोशिश है। भारत का पिछला मिशन 2019 में विफल हो गया था और ये नया मिशन भी तब हो रहा है जब लगभग 50 साल बाद रूस के द्वारा किया गया चंद्रमा मिशन कुछ ही दिनों पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस मिशन में भारत ने $74.6 मिलियन खर्च किए हैं, जो भारत की किफायती स्पेस इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत मौजूदा स्पेस टेक्नोलॉजी की कॉपी करके और उसे कम लागत में भी बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकता है। पाकिस्तान के लीडिंग अखबार डॉन ने कहा, चंद्रमा पर उतरने का ये प्रयास दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। पिछला भारतीय प्रयास 2019 में विफल रहा है, लेकिन पूर्व भारतीय अंतरिक्ष प्रमुख के सिवन ने कहा कि लैंडर द्वारा घर भेजी गई तस्वीर इस बात का संकेत है कि यात्रा का अंतिम चरण सफल होगा। उन्होंने सोमवार को AFP को बताया, ये कुछ प्रोत्साहन दे रहा है कि हम बिना किसी समस्या के लैंडिंग मिशन को हासिल करने में सक्षम होंगे। BBC लिखता है, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य पानी आधारित बर्फ की खोज करना है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के रहने के लिए मदद कर सकता है। भारत के ये प्रयास रूस के लूना 25 के उसी क्षेत्र में उतरने की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही दिनों बाद हो रहा है। सफल होने पर भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश होगा। अमेरिका, सोवियत संघ और चीन सभी इक्वेटर के पास उतर चुके हैं, लेकिन भारत साउदर्न पोलर रीजन पर जाने वाला है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन लगाई, इन लेटेस्ट मून रेस इंडिया एम्स टू क्लेम फर्स्ट सक्सेसफुल साउदर्न पोल लैंडिंग, यानी पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराना भारत का लक्ष्य। वो लिखते हैं, लगभग 4 साल हो गए हैं जब चंद्रमा पर उतरने वाला भारत का चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था। अब भारत को उम्मीद है कि बुधवार को चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचेगा, लेकिन लूना 25 दुर्घटनाग्रस्त होने से लैंडिंग के प्रयास में मौजूद जोखिम बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 को भी चंद्रमा के उसी एरिया में स्थापित किया जाना है। भारत का ये स्पेस प्रोग्राम राष्ट्रीय गौरव का सोर्स है और देश में कमर्शियल स्पेस स्टार्टअप का कैडर भी लगातार बढ़ रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत का हालिया प्रयास ये साफ दिखाता है कि एक उभरती हुई पावर के रूप में ये देश कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। अल जजीरा ने कहा, उस क्षेत्र में एक रूसी स्पेसक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ दिन बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन सकता है। ये दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। चंद्रयान 3 बुधवार को भारतीय समय के हिसाब से शाम के 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला है। बुधवार को टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने की हेडिंग, भारत चंद्रमा तक पहुंच गया, और हिंदुस्तान टाइम्स की हेडिंग, ये चंद्रमा मिशन के लिए D-Day है। चंद्रमा पर लैंडिंग की उम्मीद भी स्थानीय समाचारों में दिख रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन लगाई, इंडियाज चंद्रयान 3 मून लैंडिंग हाउ टू वॉच, भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग जानिए कैसे देखें। आगे खबर में उन्होंने लिखा, ये सप्ताह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनने के लिए रूस और भारत के बीच एक स्प्लिट स्क्रीन दौड़ का रूप ले रहा था, लेकिन रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बुधवार को सभी की निगाहें भारत पर होंगी कि चंद्रमा पर उतरने का उसका प्रयास सफल होता है या नहीं। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें, सुर्खियां। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को आप लल्लन टॉप समेत इसरो के YouTube चैनल Facebook पर लाइव देख सकते हैं। आपकी सहूलियत क्या है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे। बाकी विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स पर आपको क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है सोनल, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।